नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। अपने घर बिहार में हार मिलने के बाद अब बिहारी बाबू ने बंगाल में अपना जादू चला दिया है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आसनसोल में भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। आसनसोल उपचुनाव के नतीजे आज सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई थी। वहीं जो ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो ताज़ा नतीजा इस वक्त देखा जा रहा है, उस हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल में तमाम राजनीतिक पार्टियों को खामोश कर दिया और काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं। जो काउंटिंग अभी ताज़ा अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 1 लाख वोट से शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ पर आगे चल रहे, यानी कि ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि तय हो गया है कि बंगाल में आसन सोल की जनता ने शत्रुघ्न सिन्हा पे अपना प्यार और भरोसा बरसाया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जादू भी बंगाल में पूरी तरह से चल गया है। ममता बनर्जी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बंगाल की जनता को अपने पक्ष में कर लिया है। वहीं बीजेपी की करारी हार वहां पे देखी जा रही है। बीजेपी काफी देरों से शत्रुघ्न सिन्हा से काफी पीछे चल रही थी, वहीं टीएमसी लगातार आगे चल रही थी। जो शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो शुरुआती रुझान में ये कांटे की टक्कर देखी जा रही थी कि जहां लग रहा था कि टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल के आसनसोल में आगे चल रहे हैं। वहीं साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से बिहार में अपने घर में हार मिलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी का हाथ थामा और वहां पर जाकर के जनता, बंगाल की जो जनता है, उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। आपको बता दें कि आज सुबह से ही आसनसोल लोकसभा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 1000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की अमित्रा पाल से आगे चल रहे हैं। राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे बिहारी बाबू ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के रण को काफी वीआईपी बना दिया है। टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शॉटगन ने लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से बढ़त बना दी है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव भाजपा और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। यहां से 2019 में भाजपा की तरफ से बाबुल सुप्रियो ने चुनाव जीता, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि वह राजनीति में वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बाद में टीएमसी से बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 1991 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी में उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनाया, केंद्र में मंत्री बने, पटना साहिब से टिकट दिया, वे लोकसभा चुनाव भी जीते, लेकिन 2014 में उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला तो भाजपा से संबंधों में खटास आ गई। वहीं बीजेपी का साथ छोड़ करके शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी का साथ निभाया और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो रुझान सुबह से आ रहे हैं ये नतीजे अब लगभग साफ हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में अपनी पहुंच बना चुके हैं और जो बंगाल की जो जनता है उसने पूरी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा पे भरोसा किया है। तो थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटों की गिनती की बात अगर की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो काफी भारी मात्रा में शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।